वेलकम टू माई चैनल अल्फा स्टडी वेल। स्टूडेंट जेकर तुसी मेरे चैनल ते फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल नू सब्सक्राइब जरूर कर देना, बैल आइकन जरूर प्रेस कर देना ता जो मेरी नैक्सट वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानू मिल सके। ते इस चैनल ते मैं मैथ दे टॉपिक्स नू किस तरह आपां ईजी वे नाल समझ सकते हाँ ते मैथ दे सम्स नू आपां किस तरह ईजी वे नाल सॉल्व कर सकते हैं इस दे रिलेटेड वीडियो हमेशा मैं तुहाडे लई लैके आउंदा रहिंदा। स्टूडेंट बैल आइकन जरूर प्रेस कर देना ता जो मेरी नैक्सट वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानू मिल सके। चार पार्ट है उस वाली वीडियो है जो पहले चार पार्ट है वो वाली वीडियो हजे नहीं देखी है तो उस नू आई बटन ते क्लिक करके तुसी पहला उस वीडियो नू जरूर देख लेना कि वो जो क्वेश्चन चार किस तरह सॉल्व किए हैं। जो मैथड आपां ओ चार क्वेश्चन दे विच लगाया सी सेम मैथड आपां इत्थे अप्लाई करना है, इसलिए वो जो आई बटन विच वीडियो है उस नूं तुसीं एक बार जरूर देख लेना। तो आओ हुण आपां अज दा लैक्चर स्टार्ट करते हैं। आओ हुण फिफ्थ पार्ट नूं सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट दे विच जो अपने को पॉलीनोमियल है बहुपद है वह की है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो जो इंडीकेटड वैल्यू दिती हुई है उसके अगेंस्ट वह है एक्स इज इक्वल टू जीरो। हुण इस पॉलीनोमियल दे विच आपां एक्स की जगह पर की फिल कर देना है, जीरो फिल कर देना है। अपने को की आंसर आ जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, जिथे थे एक्स नजर आ रहा है इस पॉलीनोमियल विच उथे आपां की फिल कर देना है एक्स की जगह की भर देना है एक्स बराबर जीरो। जीरो का स्क्वेयर किसी भी नंबर का स्क्वेयर या वर्ग हो उसनू आपां दो बार मल्टीप्लाई कर देता है, जीरो नू आपां जीरो दे नाल मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर भी कितना आ जाएगा जीरो। तो इट मीन ये जो एक्स बराबर जीरो है ये अपने को की है जीरो पॉलीनोमियल है। तो आपां इसनू किस तरह लिखना है, Yes, x is equal to zero is zero of polynomial. तो इसमें पंजाबी भी इस तरह लिखांगे, हाँ x बराबर जीरो बहुपद का सिफर है। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हम इसका सिक्स पार्ट देखते हैं। अपन जो पॉलीनोमियल दिता है बहुपद दिता है वह है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, तो एक्स की जो इंडीकेटड वैल्यू है वह अपने को किन्नी है एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। तो आओ देखते हैं कि इसमें किस तरह ईजी बिना सॉल्व कर सकते हैं। पहला आप जो पॉलीनोमियल दिता है बहुपद उसनों आप लिख लेना है, हूँ एक्स की जो इंडीकेटड वैल्यू है वह इस जगह पर आप भर देनी है पी एक्स की जगह पी की भर देना है माइनस एम बटा एल, इत एल आ जाएगा ब्रैकेट की आ जाएगा माइनस एम बटा एल प्लस एम, ये आपस में मल्टीप्लाई हैं तो एल दे नाल एल उपर नीचे कैंसल हो जाएगा तो अपने को की बच जाएगा इस जगह पर की बच जाएगा माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम आपस में कट जाएंगे तो आंसर अपने को की आ जाएगा जीरो। इट मीन इतने आप लिखना है यस एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाय एल इज जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। तो पंजाबी में इसमें लिखांगे हाँ एक्स बराबर माइनस एम बाय एल बहुपद का सिफर है। तो आ हूँ इसका नैक्सट पार्ट देखते हैं, इसका हम सैवंथ पार्ट देखते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ये अपने को पॉलीनोमियल है बहुपद है, तो इतने अपने को एक्स दिया दो वैल्यूज हैं इसलिए आप पेज में डिवाइड कर लेना है, एक पास आप पहली वैल्यू नाल सॉल्व करना है तो दूसरे पास आप दूसरी वैल्यू नाल सॉल्व करांगे। तो आओ पहले फस्ट वैल्यू नू सॉल्व करते हैं। आप फस्ट अपने को की है जो पॉलीनोमियल है वो है पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस वन, तो एक्स की जगह आप की भर देना है माइनस एक बटा वर्गमूल तीन या माइनस एक बटा रूट थ्री पी, एक्स की जगह आप फिर कर देना है माइनस वन बाय रूट थ्री थ्री, एक्स की जगह की फिर कर देना है माइनस वन बाय रूट थ्री का स्क्वेयर या वर्ग माइनस वन। हुण जिस दे उपर पावर टू है उसनू आपां दो बार मल्टीप्लाई कर देना है थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री, इसनू दो बार लिखांगे माइनस वन बाय रूट थ्री माइनस वन, ये हुण माइनस नाल माइनस आपस विच कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हैं, तो उपर क्या आ जाएगा तीन नू एक नाल गुणा करांगे तो तीन ही आ जाएगा, फिर उसनू एक नाल गुणा करांगे तो ये अपने को तीन ही आ जाएगा, तीन गुणा एक थ्री इंटू मल्टीप्लाई वन इंटू वन ये अपने को थ्री आ जाएगा, इट मीन उपर थ्री आ जाएगा। हूँ अपने को आ गया नीचे रूट थ्री, रूट थ्री इसनों ध्यान ना देखना जो रूट थ्री आप रूट थ्री के मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आप दो तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला है
के रूट के अंदर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे, 3 × 3 तो रूट के अंदर 9 आ जाएगा, रूट 9 अपने को किस इक्वल टू होंगे 3, इट मीन √3 ने मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आएगा 3। तो इसका दूसरा मैथड है √3 दो बार है, इसमें इस तरह भी लिखा जा सकता है √3 का वर्ग, जेकर दो नंबर मल्टीप्लाई हैं सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हैं तो उसका आप वर्ग लिख सकते हैं स्केयर टू स्केयर के नाल स्केयर रूट कैंसल हो जाएगा तो भी अपने को आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इट मीन नीचे जो √3 है इसनों मल्टीप्लाई करके हमारा अपने को आंसर क्या आ जाएगा और 3 आ जाएगा। तो तुसी एक होर तुसी याद कर सकते हो, जेकर दो नंबर रूट के अंदर हैं सेम तो उन्होंने आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने आंसर क्या आ जाएगा, कला नंबर आ जाएगा रूट तो बिना वाला। तो इसनों आप एक होर एग्जाम्पल समझा देना है, जिस तरह मान लो कि अपने को हो √2 × √2 तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह √3 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को कितना आ जाएगा नीचे 3 आ जाएगा। हूँ 3 के नाल 3 कैंसल हो जाएगा 1, ये -1 नाल एज इट आ जाएगा, 1 के विचों 1 आप घटा देवे तो आंसर अपने को भी आ जाएगा 0। इट मीन इतने अपने को भी आएगा यस एक्स इज इक्वल टू -1/√3 इज 0 ऑफ पॉलीनोमियल। तो जहाँ इसको पंजाबी विच लिखांगे हाँ एक्स बराबर -1/3 बहुपद का सिफर है। तो आओ हम इसका सैकेंड पार्ट देखते हैं, सैकेंड पार्ट अपने को की है जी, आप एक्स की जगह पर की फिल करना है 2/√3 सेम लिखांगे पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1 2/√3 इसी तरह 3 2/√3 का स्क्वेयर -1 ये 3 आ जाएगा, इसकी पावर 2 है उसको दो बार लिखना है। हूँ सेम अपने को देखो नीचे की है √3 √3 नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर 3 नू 2 ना मल्टीप्लाई करेंगे 6 नू फिर 2 दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को आ जाएगा 12। हूँ 3 दे टेबल विच 12 कट्टिया जाएगा 4 दे टेबल पे 4 - 1 इट मीन आंसर अपने को आ गया 3 जो कि 0 दे इक्वल नहीं है। अपन जो लास्ट आंसर है वो 0 दे इक्वल चाहिए है ताई आप उसको लिख सकते हैं 0 पॉलीनोमियल। जे लास्ट विच आंसर 0 दे इक्वल नहीं है इट मीन अपने को आंसर इतने कितना आया 3 जो कि 0 दे इक्वल नहीं है। इट मीन इतने आप लिखना है नो एक्स इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ पॉलीनोमियल। जब पंजाबी विच की लिखांगे नहीं एक्स बराबर 2/√3 बहुपद दा सिफर नहीं है। तो आ हूँ इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी। इस विच पॉलीनोमियल जो आपां दिता है पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 ते एक्स की जो इंडिकेटेड वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू 1/2 है। तो आप इसमें सॉल्व करते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 है, एक्स की जगह आपां की भर देना है 1/2 2 × 1/2 + 1 2 के नाल 2 कैंसल हो जाएगा, ऊपर अपने को की बच गया 1 + 1 इट इज इक्वल टू 2 दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन इस विच अपने को आंसर 2 आया है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इस विच आप लिखांगे नो एक्स इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलीनोमियल। तो जहाँ इसमें आप पंजाबी विच लिखांगे नहीं एक्स बराबर 1/2 बहुपद का सिफर नहीं है। होप स्टूडेंट तुहानू यह क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लग गया होगा, मैं काफ़ी ईजी वे ना करवाने की कोशिश की है। जेकर वीडियो तुहानू अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, मेरे चैनल में सबसक्राइब जरूर कर देना, बैल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना ताजो मेरी नैक्सट वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानू मिल सके। धन्यवाद।